पूर्णिया में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के सात लोग झुलसे, छह की मौत और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा पूर्णिया के बायसी थाना अंतर्गत ग्वाल गांव की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि विक्टर यादव के घर उनकी बहन बॉबी अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। बॉबी के साथ दोनों बच्चों के मामा भी घर पर ही थे। उधर विक्टर के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चे थे। सभी शाम के वक्त घर में थे। रसोई में किसी तरह से सिलेंडर लीक कर गया और देखते देखते आग लग गई। आग में सिलेंडर ब्लास्ट कर गया और बॉबी के साथ अन्य छह बच्चे आग में झुलस गए। सभी पीड़ितों को पूर्णिया सदर अस्पताल लाया गया और फिर बद इंतजामी के कारण सबको निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां एक साथ आग में झुलसे पीड़ितों को देख निजी अस्पताल ने हाथ खड़े कर दिए। फिर पूर्व मुखिया अरुण यादव ने सबकी जिम्मेदारी उठाते हुए सबको भागलपुर ले जाना उचित समझा और फिर रास्ते में चार बच्चों ने दम तोड़ दिया। एक को भागलपुर में भर्ती कर लिया जबकि एक की मौत सुबह पूर्णिया में ही हुई। ये कल शाम की बात है। कल शाम में पिंटू नाम का जो लड़का है, जो गैस अपने से खाना बना रहा था, खाना बनाने के क्रम में गैस लीक कर गया। गैस लीक करने के बाद जो है कि फवारा सा मचा, जो कि बहुत बड़ा एक तरह से जो है कि गैस बाहर हुआ बहुत तादाद में। और वहाँ उसी घर में सब था, बच्चे बुच्ची सब थे, शाम का टाइम था और सभी झुलस गए एकदम पूरा। हम लेके आए हैं। कहाँ की घटना है ये? ग्वाल गांव का थाना, थाना बाईस। अच्छा, कितने लोगों की मृत्यु हुई है अभी? मृत्यु तो पाँच तो हो चुका था रात को। अच्छा, और अभी फिर सुना है वो महिला भी जो है डेथ कर गई। एक महिला और डेथ कर गई है, सात लोगों की मृत्यु। घटना कैसे भी थोड़ा बता देंगे एक लाइन में? घटना के बारे में तो जानकारी है। कौन से थाना से हैं आप? बाईस।